इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। ओम समग्र चय के दंतस्य च कपिल। मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। ये इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। जरा अपनी नजरें फिराकर फिर से एक बार देख लो चारों ओर। तुम्हारी सास बहू और पति की जान अब मेरे कब्जे में है। बचा सको तो बचा लो और मुझे रोक सको तो रोक लो। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। दादी गुड्डन उठ जा। पैन नहीं पहनना मुझे। चल पैन फटाफट। लक्ष्मी माँ चार जिंदगियां लगी हैं दांव पर, क्या गुड्डन से समय पर सबको बचाना हो पाएगा? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। दस मिनट का समय दिया था ना तुमने, पर 10 मिनट अभी पूरे नहीं हुए और गुड्डन ने अपने तीनों रिश्तों को बचा लिया। ले चलो इसे। गुड्डन 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 आंखें खोलो, आंखें खोलो गुड्डन। नहीं गुड्डन, तुम मुझे यूं छोड़ के नहीं जा सकती गुड्डन। गुड्डन क्या अपनों को बचाने के प्रयत्न से गुड्डन खो देगी अपनी जान? गुड्डन कैसी है? उसे अभी वार्ड में शिफ्ट किया। डॉक्टर, डॉक्टर साहब गुड्डन का क्या हाल है? देखिए हमने शरीर से जहर को तो निकाल दिया है, लेकिन उनकी हालत अभी भी काफी क्रिटिकल है। शरीर में जहर काफी देर तक था, जिसकी वजह से उनके इंटरनल ऑर्गन्स खासतौर पर उनकी किडनीज में काफी डैमेज हुआ है। 2-3 घंटे उन्हें मॉनिटर करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। कैसी है मेरी गुड्डन? डॉक्टर साहब कैसी है मेरी बेटी? बस आप लोग दुआ कीजिए कि अगले 2-3 घंटे में उनको होश आ जाए। गुड्डन को होश आएगा। समझो दुआ कबूल हो गई। झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं ना? कम से कम थैंक्स का जवाब तो अच्छे से दे सकते हैं ना? अच्छा हम दोस्त बन जाते हैं। चलिए फिर मिलाइए हाथ। देखो बहुत हो गया बच्चा, प्लीज सब लोग बहुत चिंता कर रहे हैं, तुम्हारी बहुत रो रहे प्लीज उठ जा। गुड्डन मैं कह रहा हूं ना उठ जा, गुस्सा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना तो तुम गुड्डन प्लीज ये पूरा दिन चपड़ चपड़ तो करती रहती हो ना, अब जब मैं कह रहा हूं कि प्लीज अपनी आंखें खोलो बात करो तो तुम हो कि मेरे पास वापस आ जाओ प्लीज। तुम्हें तुम्हें मजा आ रहा है ना मुझे यूं तंग कर कर?
गुड्डन उठो, गुड्डन बात करो मुझसे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं अगले हफ्ते देखिए। मैं कहीं नहीं जाने दूंगा गुड्डन। I love you, I love you। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। इस तरफ बीच सफर मेरे प्यार को और हमारी इस कहानी को अधूरा छोड़ के नहीं जा सकती गुड्डन। अपने जिंदल साहब के पास वापस आना होगा तुम्हें। प्लीज वापस आ जाओ गुड्डन। जवानी तो जीने के लिए होती है। जान जाए आपके दुश्मनों की, अभी तो आपकी जिंदगी यानी मैं बेसब्री से आपका इंतजार कर रही हूँ। जाओ पहले उसका साइन लेकर आओ जिसकी आवाज है, वरना पिक्चर बंद। दो दिन है तुम्हारे पास, ये आवाज सुनो और ये जिस किसी भी लड़की की आवाज है उसे लाकर मेरे सामने खड़ा कर दो। ये जिस्म है सुलगता जिस्म, ये आवाज, ये तो जानवर बेटा। वो जिसने हर बार तुम्हारी हेल्प की, जिसने हर बार तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे लिए मैंने अपनी बेटी का दिल दुखाया और तुमने मेरे साथ। मैं नहीं जी सकता उसके बिना, ये जानती थी ना तुम। उसके बावजूद तुमने जाकर वो सब कुछ किया। क्यों? Can you tell me why? तुमने सारी हदें पार कर दी, उसकी जान लेने की कोशिश की तुमने। गलती तुम्हारी माँ की। अगर उसने मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहिएगा। अब तुमसे कोई बात नहीं होगी, अब जो बातें होंगी ना तुम्हारी माँ के सामने होगी। अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। मैं हमारे बीच की हर दीवार को गिरा दूंगी। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी इंसानियत पर। रिलैक्स, रिपोर्ट्स मेरे पास है। डॉक्टर विदान ने आपको इसलिए नींद का इंजेक्शन दिया था, आप सो गए थे। विदांत आए, उन्हें पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूं। कौन लोग हैं ये? कल्याणी की दोस्त है। इन लोगों में शादी से पहले सिंदूर के साथ होली खेलने की रस्म होती है। ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? दिमाग पर चोट लगने की वजह से उनकी याददाश्त चली गई। कई बार चोट लगने की वजह से पार्शियल मेमोरी लॉस होता है, इसकी वजह से पेशेंट अपनी मेमोरी का कुछ हिस्सा खो देता है। हम एक ऐसा प्लान बना रहे हैं जिसमें शान पुचकी को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगा। क्या वाकई ऐसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर आप हमारा साथ दें तो। बोलिए क्या करना है, मैं तैयार हूँ। जवानी तो जीने के लिए होती है। जान जाए आपके दुश्मनों की, अभी तो आपकी जिंदगी यानी मैं बेसब्री से आपका इंतजार कर रही हूँ। जाओ पहले उसका साइन लेकर आओ जिसकी आवाज है, वरना पिक्चर बंद। दो दिन है तुम्हारे पास, ये आवाज सुनो और ये जिस किसी भी लड़की की आवाज है उसे लाकर मेरे सामने खड़ा कर दो। ये जिस्म है सुलगता जिस्म, ये आवाज, ये तो जानवर बेटा।
वो जिसने हर बार तुम्हारी हेल्प की, जिसने हर बार तुम्हारा साथ दिया। तुम्हारे लिए मैंने अपनी बेटी का दिल दुखाया और तुमने मेरे साथ। मैं नहीं जी सकता उसके बिना, ये जानती थी ना तुम। उसके बावजूद तुमने जाकर वो सब कुछ किया। क्यों? Can you tell me why? तुमने सारी हदें पार कर दी, उसकी जान लेने की कोशिश की तुमने। गलती तुम्हारी माँ की। अगर उसने मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहिएगा। अब तुमसे कोई बात नहीं होगी। अब जो बातें होंगी ना, तुम्हारी माँ के सामने होगी।